हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग का क्रेज सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो एक शख्स ने जब द लायन किंग का थीम सॉन्ग गाया तो उसके गधे ने उसके साथ खूब जुगलबंदी की। गधे और उसकी मालिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। द लायन किंग के गाने पर दोनों की जुगलबंदी बहुत ही कमाल की है और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से लोगों का दिल जीतने का काम कर रहा है। ट्रेविस किनले ने इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है और इसके बाद से इसे खूब देखा जा रहा है। ट्रेविस किनले अमेरिका के साउथ कैरोलिना के रहने वाले हैं। इस वीडियो में ट्रेविस अपने घोड़े और गधे के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो के शुरू होते ही ट्रेविस द लायन किंग के थीम सॉन्ग को गाना शुरू करते हैं तो उनकी देखा देखी उनका गधा भी सुर खींचने लगता है। इस तरह जिस तरह ट्रेविस इस गाने को गाते हैं, उनका गधा भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हुए गाना गाता है। उनके गधे नाइथन का ये अंदाज बहुत ही मजेदार है और सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद भी किया है। मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ट्रेविस किनले ने इस पालतू गधे नाइथन को $100 में खरीदा था। बताया जा रहा है कि नाइथन अपने पुराने मालिक को तंग कर रहा था, इसलिए उसने इसे बेच दिया। लेकिन ट्रेविस के साथ तो नाइथन का अलग ही अंदाज देखने को मिला है और इस सिंगिंग टैलेंट ने नाइथन को दुनिया भर में स्टार बना दिया है। ट्रेविस और नाइथन के इस वीडियो को 36 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।